नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो अच्छे स्टॉक्स को चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसकी सीरीज भी हमने बनाई थी। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कौन से समय पर उसे बाय करना है, अगर ये जानना है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने शुरू किया है टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज, जहां पर पहले वीडियो में कैंडलस्टिक चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसे ही कहा जाता है कैंडलस्टिक। यहाँ पर मैं आपको एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, इसे कहा जाता है कैंडल की बॉडी, और उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है उसे कहा जाता है यहाँ पर विक। अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि ओपनिंग से ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर जब स्टॉक ओपन होता है 9:15 को हमारा शेयर मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ पर स्टॉक की ओपनिंग होती है। इस लेवल पर स्टॉक ने ओपन बनाया, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई और यहाँ पर लो बनाने के बाद तेजी दिखाई दी, और यहां पर हाई बनाया था इस लेवल के आसपास, लेकिन थोड़ी सी गिरावट हुई, उसके बाद यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहां पर सिंपल मीनिंग में समझे तो ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग होती है, तो हमें यहां पर ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। अगर बात करें यहां पर रेड कैंडल के बारे में, तो आप देख पाएंगे 9:15 को स्टॉक मार्केट ओपन होता है, और ओपन होते ही हमें यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आता है प्राइस, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट आती है और यह लो बनाता है इस लेवल के आसपास, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आता है और क्लोजिंग देता है इस लेवल के आसपास। तो यहां पर आप देख पाएंगे ओपन करने के बाद स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई और क्लोजिंग बेसिस काफी ज्यादा नीचे आई हुई है, यानी कि ओपन प्राइस से नीचे अगर स्टॉक प्राइस क्लोज होता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैंने गूगल पे एक आर्टिकल ओपन किया है, जहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस आर्टिकल को विजिट करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है हैमर। द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ अ शॉर्ट बॉडी विथ अ लॉन्गर लोअर विक एंड इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अ हैमर शोज दैट ऑल्दो देयर वर सेलिंग प्रेशर ड्यूरिंग द डे, अल्टीमेटली strong buying pressure drove the price back up. The color of the body can vary, but green hammers indicate a stronger bull market than red hammers. तो यहाँ पर फोटोज भी दिए गए हैं, उनसे हमें इजी में समझ में आएगा कि कैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें ग्रीन हैमर बनता हुआ नजर आता है, उसका मतलब क्या है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, स्टॉक ने लो बनाया लेकिन वहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया था, और वापस हमें यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आया था, और जो ओपनिंग हुई थी उससे ऊपर ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद बाइंग प्रेशर बढ़ गया और वापस स्टॉक को ऊपर ले गए थे, यहां पर बायर्स बुल्स यहां पर हावी हो चुके थे, तो इसे एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल डायरेक्शन उसके बाद हमें ऊपर का माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी पैटर्न्स हमें दिखाई जा रहे हैं ये 100% श्योर काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन ये हमें इंडिकेट करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी स्टॉक के बाइंग प्राइस को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इनवर्स हैमर। यहाँ पर अ सिमिलरली बुलिश पैटर्न इज द इन्वर्टेड हैमर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द अपर विक इज लॉन्ग व्हाइल द लोअर विक इज शॉर्ट। इट इंडिकेट्स अ बाइंग प्रेशर फॉलोड बाय अ सेलिंग प्रेशर दैट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू ड्राइव द मार्केट प्राइस डाउन। द इनवर्स हैमर सजेस्ट दैट बायर विल सून हैव द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो हमने जो पहले देखा था वो हैमर था, वो क्लियरली इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। अब देख पाएंगे इन्वर्टेड यहां पर हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि स्टॉक प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद उसने एक बड़ा सा हाई बनाया, लेकिन उसके बाद वापस सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो प्राइस पर ओपन हुआ था उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि बाइंग लोग यहां पर बाइंग प्रेशर फिर भी बढ़ चुका है, यहां पर बायर्स कभी भी हावी हो सकते हैं और वापस यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करें, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझे, उससे पहले दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि एक इन्वर्टेड हैमर
एक यहाँ पर बियरिश संकेत भी हो सकता है। कौन से समय पर ये भी मैं बताना चाहूँगा, अगर स्टॉक में काफ़ी दिनों से तेज़ी बनी हुई है और उसके बाद हमें यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है तो वो एक बुलिश संकेत नहीं है, वो एक नेगेटिव संकेत है। ये जो संकेत यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं ये आप देख पाएंगे काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद अगर हमें ये हैमर दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव संकेत है, उसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर बहुत तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है तो वो एक पॉजिटिव संकेत नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, इज अ फॉर्म्ड ऑफ टू कैंडलस्टिक। द फर्स्ट कैंडल इज अ शॉर्ट रेड बॉडी दैट इज कंप्लीटली एंगल्फ्ड बाय अ लार्जर ग्रीन कैंडल। दो द सेकंड डे ओपन्स लोअर देन द फर्स्ट, द बुलिश बुलिश मार्केट पुशेस द प्राइस अप कल्मिनेटिंग इन एन ऑब्वियस विन फॉर बायर्स। यहाँ पर फोटो देखकर हमें इजी में समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो दो तरह का होता है, यहाँ पर दो कैंडल्स चाहिए, दो तरह का नहीं एक ही तरह का होता है, लेकिन दो कैंडल्स की यहाँ पर जरूरत होती है, दोनों कैंडल्स को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहली कैंडल आपको दिखाई दे रही है एक रेड कैंडल है यानी कि बियरिश कैंडल है, यहाँ पर ओपन प्राइस हुआ उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और जो क्लोजिंग हुई थी ओपन प्राइस से नीचे ही देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है जो कि एक ग्रीन कैंडल है, वहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देखने के बावजूद बाइंग प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था और जो पूरी जो पहले की रेड कैंडल थी उससे काफी ज्यादा बड़ी बॉडी हमें यहां पर बनती हुई नजर आई, ओपनिंग प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो पहले की कैंडल थी वो छोटी रह गई थी लेकिन उसकी जो अगले दिन की जो कैंडल बनी वो काफी ज्यादा बड़ी बनी थी और जो सारी गिरावट ये एक दिन की कैंडल ने दर्शाई थी वो सारी की सारी गिरावट को एक ही दिन में कवर कर दिया और उससे भी ऊपर हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आया था। तो इसे कहा जाता है बुलिश एंगलफिन पैटर्न जो कि दर्शाता है कि आगे जाकर हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, इज ऑल्सो अ टू स्टिक पैटर्न मेड अप ऑफ अ लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोड बाय अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। देर इज यूजुअली अ सिग्निफिकेंट गैप डाउन बिटवीन द फर्स्ट कैंडल स्टिक क्लोजिंग प्राइस एंड द ग्रीन कैंडल स्टिक ओपनिंग। इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर एज द प्राइस इज पुश्ड अप टू अबव और द मिड प्राइस ऑफ द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर फोटो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इजी में समझ में आएगा। तो ये पहली बार जो आपको दिखाई दे रही है साफ साफ हमें बता रही है कि काफी बियरिश यहाँ पर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरा जो दिन हुआ था आप देख पाएंगे यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली लेकिन दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग जो स्टॉक की हुई थी वो इस लेवल के आसपास हुई लेकिन उसके बाद यहां पर बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया था। और आप देख पाएंगे पिछले दिन की जो रेड कैंडल बनती हुई थी उसका जो मिडल लाइन था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इसे भी एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है कि इतनी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने के बावजूद स्टॉक ने यहां पर फिर से रिवर्सल दिया है और स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ होप इन अ ब्लीक मार्केट डाउन ट्रेंड। इट इज अ थ्री स्टिक पैटर्न वन शॉर्ट बॉडीड कैंडल बिटवीन अ लॉन्ग रेड एंड अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ट्रेडिशनली द स्टार विल हैव नो ओवरलैप विद द लॉन्गर बॉडीज एज द मार्केट गैप्स बोथ ऑन ओपन एंड क्लोज। इट सिग्नल्स दैट अ सेलिंग प्रेशर ऑन द फर्स्ट डे इज सबसाइडिंग एंड अ बुल मार्केट इज ऑन द होराइजन। फोटो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर तीन कैंडलस्टिक को देखना जरूरी है। सबसे पहली कैंडलस्टिक ये रही जो आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, ओपनिंग हुआ वहीं पर हाई बना उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और जो लो प्राइस था उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद उसका जो अगला दिन जो ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ आप देख पाएंगे वहाँ पर मूवमेंट काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही थी, ज़्यादा गिरावट हमें दूसरे दिन देखने को नहीं मिली। और तीसरे दिन की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिलती है और क्लोजिंग प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसे ही कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, जो कि एक दिन यहां पर फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा यहां पर पहले दिन सबसे ज्यादा गिरावट होती है, दूसरे दिन थोड़ी सी गिरावट होती है लेकिन तीसरे दिन जो होती है उसके बाद हमें यहां पर तेजी देखने को मिलती है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें यहां पर आगे भी तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है थ्री वाइट सोल्जर्स। तो थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न ऑकर्स ओवर थ्री डेज। इट कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव लॉन्ग थ्री और वाइट कैंडल्स विद स्मॉल विक्स विच ओपन एंड क्लोज प्रोग्रेसिवली हायर देन द प्रीवियस डे। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दैट बुलिश सिग्नल दैट ऑकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एंड शोज अ स्टेडी एडवांस ऑफ बाइंग प्रेशर। फोटो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तीन कैंडल्स को स्टडी करने की जरूरत होती है और यहाँ पर तीनों की तीनों कैंडल
ग्रीन होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पहली कैंडल बनी, वहां पर क्लोजिंग ग्रीन देखने को मिली यानी कि बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद वापस हमें तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दूसरे दिन भी हमें यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है और तीसरे दिन भी सिचुएशन ऐसी ही रहनी चाहिए। यहाँ पर हमें तीसरे दिन भी सिचुएशन ऐसी ही रहती है और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो इन तीन कैंडल को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है एक बुलिश सिचुएशन दिखाई देती है और उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई जाता है कि अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने बात कर ली 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, लेकिन बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक्स लेकर रखा है तो हमें समझ में भी आना चाहिए कि कब हमें वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। तो 6 बेयरिश कैंडल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हैंगिंग मैन। द हैंगिंग मैन इज अ बेयरिश इक्विवेलेंट ऑफ अ हैमर। इट हैज द सेम शेप बट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। इट इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ ड्यूरिंग द डे एंड बट दैट बायर्स वर एबल टू पुश द प्राइस अप अगेन। द लार्ज सेल ऑफ इज often seen as an indication that the bulls are losing control of the market. यहाँ पर फोटो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ पर मार्क की गई है जो कि एक हैमर की तरह हमें दिखाई दे रही है, लेकिन रेड हैमर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन वापस थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। फिर भी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिला था वो ओपनिंग प्राइस से नीचे ही रह गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अप ट्रेंड के बाद, इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाने के बाद हमें थोड़ी सी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको अपर हैमर दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर तेजी के टाइम पर दिखाई दे रहा है तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर गिरावट दिखाई दे सकती है, और अगर गिरावट के बाद ये कैंडल दिखाई देती है हैमर साइप की सिचुएशन तो हम इसे बुलिश कैंडल की तरह ले सकते हैं और वहां से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर बट इज फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड। इट हैज अ स्मॉल लोअर बॉडी एंड लॉन्ग अपर विक। यूजुअली द मार्केट विल गैप स्लाइटली हायर ऑन ओपनिंग डे एंड रैली टू एन इंट्राडे हाई बिफोर क्लोजिंग एट अ प्राइस जस्ट अबव द ओपन लाइक अ स्टार फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर पिक्चर देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर मार्क की गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद अच्छी तेजी भी दिखाई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई और वापस हमें गिरावट देखने को मिली थी और ओपन प्राइस से नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। यहां पर फिर से समझने वाली बात यह है कि यहां पर एक रेड कैंडल है, रेड इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो वो एक बेयरिश संकेत है, लेकिन अगर आपको ग्रीन इन्वर्टेड हैमर अगर आपको गिरावट के समय पर दिखाई देता है तो उसे हम बुलिश संकेत मान सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा इन्वर्स हैमर, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन ये एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है और वीकनेस के बाद ऐसी सेम सिचुएशन बनी है, तो ये एक बुलिश संकेत है। लेकिन वहाँ पर हमने जो देखा, पहले देखा वहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर जैसी सिचुएशन दिखाई दी थी और वो भी एक रेड कलर का था, इसीलिए वहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि गिरावट होगी और ये सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि तेजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है बियरिश एंगलफिंग पैटर्न। अ बियरिश एंगलफिंग पैटर्न ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। द फर्स्ट कैंडल हैज एन स्मॉल ग्रीन बॉडी दैट इज एंगल्फ बाय अ सब्सिक्वेंट लॉन्ग रेड कैंडल। इट सिग्निफाइज अ पीक और स्लो डाउन ऑफ प्राइस मूवमेंट एंड इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग मार्केट डाउनटर्न। द लोअर द सेकेंड कैंडल गोज द मोर सिग्निफिकेंट द ट्रेंड इज लाइकली टू बी। तो यहाँ पर पिक्चर को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बुलिश एंगलफिंग पैटर्न क्या था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उल्टी है। पहले हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, यहाँ पर कलर भी मैं चेंज करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बाद हमें रेड कैंडल बनेगी, वो भी ग्रीन कैंडल से काफी ज्यादा बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल फोना यानी कि पूरी की पूरी पहले की कैंडल को खा जाना, उससे काफी ज्यादा बड़ी साइज की कैंडल रेड कैंडल बनती है। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। इज अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ द बुलिश मॉर्निंग स्टार। इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ शॉर्ट कैंडल सैंडविच बिटवीन अ लो ग्रीन कैंडल एंड अ लार्ज रेड कैंडलस्टिक। इट इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ एन अप ट्रेंड एंड इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग व्हेन द थर्ड कैंडलस्टिक इरेजेस द गेन ऑफ द फर्स्ट कैंडल। यहां पर तीन कैंडल को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहली जो दो कैंडल्स हमें दिखाई देंगी, यहां पर आप देख पाएंगे ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, काफी ज्यादा बुलिश कैंडल है, ओपन हुआ, उसी के आसपास लो बनाई दिया, उसके आसपास तेजी थी और
और बाद में जो हाई बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली, तो धमाकेदार तेजी इस कैंडलस्टिक से हमें पता चलती है। लेकिन जो दूसरा दिन वहां पर गुजरता है वो इतना ज्यादा तेज हमें दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन में इतनी तेजी हमें दिखाई नहीं देती, मूवमेंट काफी कम हो जाती है, थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देती है। और तीसरे दिन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि गिरावट अच्छी खासी दिखाई दे रही है, बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है। तो इसे माना जाता है कि यहां पर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आगे आने वाले दिनों में हमें पोटेंशियल डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, पोटेंशियल डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पैटर्न है थ्री ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्राइजेस ऑफ थ्री कॉन्सिक्वेंटिव लॉन्ग रेड कैंडल्स विद शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टेंट विक्स। ईच सेशन ओपन्स एट अ सिमिलर प्राइस टू द प्रीवियस डे बट सेलिंग प्रेशर पुशेस द प्राइस डाउन लोअर एंड लोअर विद ईच क्लोज। ट्रेडर्स इंटरप्रेट दिस पैटर्न एज द स्टार्ट ऑफ अ बियरिश डाउन ट्रेड एज द सेलर्स हैव ओवरटेकन द बायर्स ड्यूरिंग थ्री सक्सेसिव ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पर पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर भी तीन कैंडल्स पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, तीनों कैंडल रेड कैंडल होना जरूरी है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पहली कैंडल बनती है वो भी रेड कैंडल बनती है, दूसरे दिन भी हमें यहाँ पर गिरावटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, तीसरे दिन भी गिरावटी दिखाई देती है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर हमें जो डायरेक्शन है वो नीचे जाता हुआ नजर आता है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है डार्क क्लाउड कवर। द डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट्स अ बियरिश रिहर्सल अ ब्लैक क्लाउड ओवर द प्रीवियस डेज ऑप्टिमिज्म। इट कंप्राइजेस टू कैंडलस्टिक अ रेड कैंडलस्टिक विच ओपन्स अबोव द प्रीवियस ग्रीन बॉडी एंड क्लोजेस बिलो इट्स मिड पॉइंट। इट सिग्नल्स दैट द बियर्स हैव टेकन ओवर द सेशन पुशिंग द प्राइस शार्पली लोअर। इफ द विक्स ऑफ द कैंडल्स आर शॉर्ट इट सजेस्ट दैट द डाउन ट्रेंड वॉज एक्सट्रीमली डिसिसिव। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक की फोटो को देखकर समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो तेजी हमें देखने को मिल रही है ये एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद हमें ओपनिंग प्राइस गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और गिरावट देखने को मिली और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया था। और कन्फर्मेशन के लिए तीसरी कैंडल भी हमें देखनी है, भले ही वो एक ग्रीन कैंडल हो लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए क्या वो पहले की कैंडल के मिड पॉइंट पर जाकर खड़ा हो पाया नहीं। तो आप देख पाएंगे कैंडल का जो मिड पॉइंट बनकर आता है उससे काफी ज्यादा नीचे ही कैंडल रह गई थी, भले ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है लेकिन जो मिड पॉइंट था उससे काफी ज्यादा नीचे ही कैंडल रह चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक संकेत है कि यहां पर बाजार में या फिर कोई भी स्टॉक में हमें आगे जाके गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझने में डोजेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोजेस का कुछ खास महत्व यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले डोजी होता क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर एक आपको प्लस साइन जैसा दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर प्लस साइन का मतलब है स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ पर स्टॉक ने ओपनिंग दिखाई, उसके बाद हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया लेकिन उसके बाद वापस स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन वो गिरावट भी कवर हो गई और जहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ उसी के आसपास हमें स्टॉक में क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो इसे ही कहा जाता है डोजी कैंडल। लॉन्ग लेगेड डोजी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें विक थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, लॉन्ग लेग डोजी में हमें विक बड़ी दिखाई देती है, यानी कि ज्यादा गिरावट होती है या फिर ज्यादा चढ़ी हमें ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, लेकिन एट लास्ट क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के आसपास ही हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि ओपनिंग हुई उसके बाद धमाकेदार गिरावट, लेकिन वो धमाकेदार गिरावट भी कवर हो गई और वापस क्लोजिंग हो गई थी ओपनिंग प्राइस के आसपास। तो इसे एक ट्रेंड रिवर्सल माना जा सकता है अगर बहुत समय से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और बाद में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और यहां पर आगे आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में तो आप देख पाएंगे ओपनिंग हुई उसके बाद धमाकेदार तेजी, लेकिन वो धमाकेदार तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, वापस हमें गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग उसी प्राइस पर हो गई जहां पर ओपन हुआ था। तो यहां पर अगर बहुत समय से हमें तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हमें ग्रेव स्टोन डोजी दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सेलिंग प्रेशर भी काफी ज्यादा हावी हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक ऊपर तो गया था लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस गिरावट देखने को मिली और ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये एक संकेत होता है कि यहां पर हमें वापस पोटेंशियल खत्म होता हुआ नजर आ सकता है, बुल्स की जो पावर है खत्म हो सकती है और यहां पर बियर्स की पावर वापस क्षमता में आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है फोर प्राइस डोजी, तो जिसमें कुछ ज़्यादा कामकाज ही नहीं होता, ओपन होता है उसी के आसपास क्लोजिंग दिखाई देती है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता। यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटी सी विक दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है विक, थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ है, ऐसा ये डोजी फोर प्राइस डोजी हमें समझाने की कोशिश करता है।
आई होप मैं आपको सरल भाषा में समझा पाया हूँ कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, उसके अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैंने आपको दिखाए। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको दिखाए उनके नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको एक बार बस समझ लीजिए और आप जब भी चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर खुद ब खुद दिखाई देगा कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसे स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने प्रस्तुत करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।